नमस्कार मेरे दोस्त, आज मैं आप सबके सामने एक छोटा सा वीडियो लेकर के आया हूँ। तो ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, तो देख लीजिए। हमारे पास ये सिलाई मशीन रिपेयरिंग करने के लिए आया हुआ है और इसमें क्या प्रॉब्लम है आप देख लीजिएगा। देख लीजिए, ये सिलाई मशीन चल नहीं रहा, यानी कि ये पूरा जाम हो गया है और ये चल नहीं रहा। बस थोड़ा सा कमी है और कहाँ से जाम है, ये चीज मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ कि अगर इस प्रकार आपके सिलाई मशीन में अचानक कहीं सिलाई मशीन जाम हो जाता है तो उसे आप कैसे सही कर पाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, दिखाते हैं आपको कि अगर इस तरीके से आपका सिलाई मशीन चलते चलते अचानक जाम हो जाए तो आपको कहां से सही करना है और कैसे इसे सेट करना है। तो चलिए तो देखते रहिएगा। यही सिलाई मशीन है जो चलते चलते अचानक जाम हो गया है, देख सकते हैं थोड़ा सा हील भी नहीं रहा है। तो अब इसे बनाने के लिए हमें क्या करना है, इसे रिपेयर करने के लिए हमें प्लेट दाब को निकाल लेना है। इससे क्या होगा, अंदर जो है जहाँ से प्रॉब्लम है वहाँ पे अंधेरा होता है तो उजाला हो जाएगा इससे। और मैं सिलाई मशीन को पलट के फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि कहाँ से प्रॉब्लम है, इसे कैसे सही करना है। तो पहले मैं प्लेट को निकाल लेता हूँ यहाँ से, और प्लेट देख लीजिए मैं निकाल कर रख लिया हूँ साइड में। आप सिलाई मशीन को पलट लेते हैं और पलटने के बाद फिर मैं आपको दिखा रहा हूँ क्या करना है आपको इसमें। देख लीजिए, यहाँ से आपको इस स्क्रू को देख लीजिए, इस पेच को आपको खोल लेना है यहाँ से। देख लीजिए, बड़ा वाला पेच कस लेकर के खोलिएगा क्योंकि ये काफ़ी टाइट होता है, ज़्यादा टाइट रहता है। यहाँ से देख लीजिए इसे निकाल लेना है। अब क्या होता है, मैं सिलाई मशीन आपको चला के दिखा देता हूँ। देख लीजिए, एकदम सिलाई मशीन चलना स्टार्ट हो गया है। तो अब प्रॉब्लम कहाँ से है, बस शटल से है। देख लीजिए, देख लीजिए सिलाई मशीन चल रहा है, एकदम अच्छे से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, और शटल भी चल रहा है देख लीजिए। तो अब इसमें क्या प्रॉब्लम है, ये जो लाक लगा हुआ था ये नहीं चल रहा था, इसके वजह से पूरी मशीन रुक गया था। तो यहाँ पे देख लीजिए छोटा सा धागा फंसा हुआ है, तो इसको निकालने के लिए पूरा शटल खोलने की ज़रूरत आपको नहीं है। शटल खोल देंगे तो सेट नहीं कर पाएंगे, और अगर आप शटल खोल भी देते हैं तो इसके लिए शटल सेट करने के लिए वीडियो बहुत सारा बनाया हूँ, जा करके देख लीजिएगा, हमारे आईडी पर है। तो यहाँ से देख लीजिए इस तरीके से पेचकस लगा करके और इस तरीके से आपको घुमा देना है, और घुमाने के बाद में यहाँ से देख लीजिए छोटा सा धागा है, देख लीजिए कितना छोटा धागा है, बस इतना छोटा सा धागा इसके अंदर चला गया था, इसलिए ये सिलाई मशीन जाम हो गया था। तो अब देख लीजिए सिलाई मशीन चलना स्टार्ट हो गया है। अब क्या करते हैं, इस लाक को हम लगा देते हैं यहाँ पर, और लगाने के बाद इसे चला के देखते हैं कि ये चलता है या नहीं चलता है। तो देखते रहिएगा। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और हाँ मेरे भाई, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। इससे क्या होगा, जैसे मैं वीडियो डालूँगा आप तक तुरंत पहुँच जाएगा। और हमारे वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा भाई, क्योंकि इतना मेहनत से वीडियो आप सबके लिए बनाता हूँ। तो प्लीज़ मेरे भाई लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। तो यहाँ से देख लीजिए मैं इस लॉक को टाइट कर लिया हूँ, इस स्क्रू को अच्छी तरीके से टाइट करने के लिए बड़ा पेचकस से टाइट कर देते हैं, और यहाँ से सेंटर मिला लिए हैं। अब ये देख लीजिए टाइट हो गया है, देख लीजिएगा। अब क्या करना है, सिलाई मशीन को सीधा कर लेना है। देख लीजिए, चला के देख लीजिए, अब अच्छे से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और शटल में ऊपर से थोड़ा सा तेल डाल देना है, क्योंकि क्या होता है, जब तेल नहीं शटल में रहता है तभी धागा फंस जाता है, और जब तेल रहता है शटल में, तेल डेली डालते हैं चलाने वाले, तो क्या होता है जब धागा फंसता है तो सड़क के निकल जाता है तेल के वजह से, और जब तेल नहीं पड़ता है तो वहीं रुक जाता है, जाम हो जाता है, धागा जैसे टुकड़ा जाता है तुरंत वहीं रुक जाता है। तो आप तेल डालते रहिएगा, आपका सिलाई मशीन जल्दी जाम नहीं होगा। देख लीजिएगा, अब ये सिलाई मशीन अच्छे तरीके से सेट हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।